नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में आज सुबह से ही कानपुर दक्षिण के मंदिरों में सुबह से ही राम भक्त हनुमान बजरंगबली बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग रही है। आज सुबह से ही बर्रा आट स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिली। मंदिर प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत भक्तों को मंदिरों में प्रवेश करवा रहे थे। मंदिर के पुजारी का कहना है कि बालाजी मंदिर 3 दशक पुराना है, यहाँ की मान्यता बहुत है। जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आता है, बालाजी सरकार उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सुबह बालाजी की आरती व भोग के बाद भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। बुढ़वा मंगल के उपलक्ष्य में आज सुबह से ही कानपुर दक्षिण के मंदिरों में सुबह से ही राम भक्त हनुमान बजरंगबली बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग रही है। आज सुबह से ही बर्रा आट स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिली। मंदिर प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन के तहत भक्तों को मंदिरों में प्रवेश करवा रहे थे। मंदिर के पुजारी का कहना है कि बालाजी मंदिर 3 दशक पुराना है, यहाँ की मान्यता बहुत है। जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आता है, बालाजी सरकार उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सुबह बालाजी की आरती व भोग के बाद भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर बर्रा आट में आज बालाजी मंदिर पर मौजूद है, जहां पर आपको बता दें कि यहां इस मंदिर की मान्यता तो बता दें कि बहुत ही पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो बाबा के दरबार आता है, अपनी मनोकामनाएं मांगता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज बुढ़वा मंगल का दिन है और इंडियन प्राइम न्यूज़ की टीम आज सभी मंदिरों में जा करके बाबा के आपको घर बैठे दर्शन कराएगी। आज हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं और इस मंदिर की मान्यता पूछेंगे कि क्या मान्यता है इस मंदिर की। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, क्या नाम है पंडित जी आपका? जी अनुज कुमार पांडे हमारा नाम है। पंडित जी यहाँ की क्या मान्यता है, ये कौन सा मंदिर है? ये सिद्धेश्वर शिव बालाजी मंदिर बर्रा आट में बी ब्लॉक में स्थित है जी। और यहाँ कम से कम 30-40 साल पुराना ये मंदिर हो चुका है जी। विशेष रूप से जो भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी, वो इसलिए दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो विशेष रूप से पूर्ण होती हैं अथवा संकट विशेष रूप से यहाँ पर करते हैं भक्तों को। आस्था को लेकर के मंदिर में आपकी ऐसी कोई घटना हुई होगी तो इस मंदिर में पूर्ण हो जाए, क्या इस मंदिर की आस्था है? यहाँ पर विशेष रूप से जो भूत प्रेत से बाधित लोग आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनकी ही यहाँ पर संकट कट जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष सभा मनी वगैरह यहाँ प्रसाद वितरण कराते हैं और विशेष रूप से हम लोगों को आयोजन कराते हैं, नित्य ज़्यादातर भंडारे इसीलिए होते हैं यहाँ पर। जैसा कि बताया कि पंडित जी ने कि यहाँ जैसे भूत प्रेत को लेकर अगर कोई बात होती है तो यहाँ मंदिर के अंदर बाबा अपना सोटा रख कर पूरी तरह से उनको संकट से मुक्त करा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, कोरोना गाइडलाइन को देखते सभी लोग पालन कर रहे हैं, दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को मिल रहा है और साफ तौर से गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। और मंदिर की अगर आस्था कही जाए तो मंदिर की बहुत ही एक प्रसिद्ध आस्था है, जो कि मंदिर में आप एक बार फिर से दर्शन कराएंगे आपको बाबा बजरंगबली के। घर बैठे आप लोग दर्शन करिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए ताकि इससे आपको भी दिक्कत ना हो और किसी प्रकार की और लोगों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कोरोना काल एक की बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसको देखते ही लोगों को बहुत ही दूर तक की दिक्कतें पड़ सकती हैं। बाबा संकट मोचन मंदिर आइए और प्रेम से दर्शन करिए और जय बजरंगबली बोलिए।